हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा, और टाइटल से पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, कुछ हम ऐसे प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं होता है, और कई बार वो हमारे स्किन टोन को सूट नहीं करते हैं, और हम ऐसे ही आउटर पैकेजिंग देख के या किसी की और किसी की देखा देखी करके हम कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और बाद में हमें बड़ा पछतावा होता है। तो आज के वीडियो में ऐसे ही मैं कुछ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिनको लेके मैं बड़ा पछता रही हूँ, क्योंकि वो मेरे कुछ भी काम के नहीं है, बस ऐसे ही रखे हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है फेस शॉप का ये एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल मैंने इसलिए परचेज़ किया था क्योंकि एलोवेरा जेल काम में आ ही जाता है, पर ये प्रोडक्ट मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और जितना भी यूज़ किया है वो सारा हाथ पैरों में लगा के ख़त्म किया है। उसका रीज़न ये है कि इसमें अल्कोहल है, और जिस प्रोडक्ट में अल्कोहल रहते हैं मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। और इसके इन्ग्रीडियंट्स देखें तो ये पूरा जाने कितनी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, तो मतलब ये बिल्कुल भी प्योर नहीं है, इसमें अलग से भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स की गई हैं। और इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज़। तो 400 रुपये का अगर मैं एलोवेरा जेल ख़रीदूँ और जिसमें अल्कोहल है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हार्मफुल हो सकती है हमारी स्किन के लिए, तो ये किस काम का है। इसके साथ मैंने बैम्बू जेल भी ख़रीदा था, इसका बैम्बू जेल आता है, और दोनों जो बॉटल्स हैं आप ऑनलाइन देखोगे बड़े प्यारे लगते हैं, तो इस चक्कर में मैंने दोनों बैम्बू जेल और ये लिया। और वो तो मुझे पता ही नहीं है बैम्बू जेल कहाँ गया, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल था। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए एकदम बकवास प्रोडक्ट है। तो अगर आप कोई एलोवेरा, अच्छा सा एलोवेरा जेल खरीदना चाहते हैं, सस्ता चाहते हैं, तो पतंजलि का ले लीजिए, नहीं तो वाओ का बहुत अच्छा है, खादी का बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके एलोवेरा जेल अच्छे आते हैं और साथ में सस्ते भी होते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ये पैराशूट का कोकोनट क्रीम ऑयल। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता है, पर फिर भी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये कुछ काम ही नहीं करता है। जब इसको आप बालों में लगाओगे कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। एक बार मैंने कम क्वांटिटी लगाई, फिर दूसरे बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी लगा के देखी, पर ऐसा कुछ इसने कमाल नहीं दिखाया जितना मतलब पैराशूट ब्रांड से आप एक्सपेक्ट करते हो, उतना ये काम नहीं करता है। साथ ही साथ ये इसमें है पैराबेंस, तो ये प्रोडक्ट भी मेरे लिए कुछ भी काम का नहीं है। अब मैं इसको यूज़ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2-3 बार ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, पर ये कुछ भी काम नहीं करता है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसको लेंगे मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, वो है ये एवरयूथ का टैन रिमूवल पैक। कुछ भी काम नहीं करता है, इसको मैं 3-4 बार ट्राई कर चुकी हूँ, उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इवन ये आउट ऑफ स्टॉक था, इसको मैं बहुत दिन तक सर्च करती रही, तब मैंने इसको परचेस किया क्योंकि ये मिल नहीं रहा था। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, पर 99 रुपीज़ का है, कुछ काम नहीं करता है, तो क्यों परचेज़ करना। इसकी सिर्फ एक अच्छी बात है कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा टैन रिमूव नहीं करता है। एक्चुअली कोई भी टैन रिमूवल पैक आप 3-4 बार भी ट्राई करोगे, सप्ताह में 1-2 बार भी ट्राई करते हो, पर उससे टैन रिमूव नहीं होती है। तो ये मेरे बिल्कुल भी काम का नहीं है, मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम। तो ये मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि जब भी मैं इसको फेस पे लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा वाइट फेस हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, फेस और ज़्यादा ऑयली लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी नेचुरल लुक नहीं आता है। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे कोई बेबी सीसी क्रीम यूज़ करना है तो गार्नियर पॉन्ड्स इसे काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो ये भी एकदम बकवास प्रोडक्ट है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो मेरी स्किन को सूट नहीं करता है, वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। काफ़ी कॉस्टली है, इसका प्राइस है 650 रुपीज़। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इसका क्रीमी टेक्सचर है, और मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं जेल बेस्ड प्राइमर ही लगाती हूँ और वो मेरी स्किन पे सूट करते हैं। तो इसका जो जेल बेस्ड आता है वो शायद से मेरी स्किन को सूट कर जाए, पर ये बिल्कुल सूट नहीं करता है, पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। पर जिनकी भी ड्राई स्किन है उनकी स्किन पर ये बहुत अच्छा काम करता है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये भी मेरे लिए मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये एसक्यू का
हाइलाइटर, इसको मैंने इसलिए परचेज़ किया था, ये दिखने में इतना प्यारा लगता है, देखिए ये बिल्कुल पेन के जैसे दिखता है, इसलिए इसको ले लिया। पर एज अ हाइलाइटर जब आप इसको यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा चमक चमक दिखता है। हाइलाइटर का मतलब होता है कि आपके स्किन पे एक नेचुरल ग्लो देना, वो नेचुरल लुक तो बिल्कुल भी नहीं देता है। अगर आपको स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करना हो उस टाइम पे अगर आप लगाते हो तो एक अच्छा लगेगा, पर ऐसे ही नॉर्मल शादी पार्टी के लिए आप इसको लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ही चमकेगा। अगर आप इसको एज अ आई शेडो यूज़ करोगे तो ये अच्छा काम करता है, पर एज अ हाइलाइटर बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता है। इससे अच्छा तो मेरे आई शेडो पैलेट्स में बहुत सारे ऐसे शेड्स मिल जाएंगे जिसको मैं एज अ हाइलाइटर लगा सकती हूँ, पर ये अगर हाइलाइटर के लिए ले रहे हो तो आप इसको बिल्कुल परचेस ना करें। अब बात करते हैं ये NYV के दोनों काजल, ये काजल इनका रिव्यू किया हुआ है तो मैं कि ये इनका इन दोनों का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत जल्दी स्मज हो जाते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बारिश हो जाती है तो बहुत जल्दी स्मज हो जाता है। मतलब 2 घंटे ही चलेगा और घर पर रहोगे तो शायद से 3 घंटे तक चल जाए, पर ये आँखों के बिल्कुल इधर इधर तक आ जाएगा, इतना ज़्यादा फैलता है। तो काजल कलर होने से क्या होता है, स्मश नहीं होना चाहिए काजल को, कम से कम आपकी आंखों पे 5-6 घंटे तो टिका रहना चाहिए। इससे बेटर है कि आप SQ का काजल ले लें, अफोर्डेबल भी है, सेम प्राइस में आता है और काफ़ी अच्छा काम करता है, पर ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इसको लेके मैं सबसे ज़्यादा पछता रही हूँ, वो है ये कलर बार की लिपस्टिक, किस प्रूफ लिप स्टेन। इसका शेड है 001 हॉलीवुड, इसका शेड बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा कलर है। प्रॉब्लम ये है कि इसका प्राइस 900 समथिंग है, आई थिंक 995 रुपीज़ है। ये ट्रांसफ़र भी होता है, फैल भी जाता है, बहुत जल्दी ड्राई भी नहीं होता है। मतलब इसमें मुझे कुछ ऐसी खास बात नज़र ही नहीं आई कि इसका इतना प्राइस है और इसको परचेज़ किया जाए। इससे अच्छा ये है कि मैं मिनी कॉम्बोस यूज़ कर लूँ, 200-300 रुपए में मुझे इतनी सारी लिपस्टिक मिल जाएंगी और वो ऐसा ही काम करती हैं, फिर इसको क्यों लेना, मतलब इसका लेने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत बकवास है। बस इसका कलर अच्छा है ना ही, ये लॉन्ग लास्टिंग है तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये आप कलर बार की लिपस्टिक बिल्कुल भी मत लीजिए, इससे अच्छा है बहुत सारे आपको 300-400 की रेंज में, इवन 100 रुपीज़ की रेंज में भी आपको अच्छे लिपस्टिक आजकल मिल जाते हैं, तो इसमें इतने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये कैलेंडुला जेल, ये गुड वाइब्स की कैलेंडुला जेल है। मैं इसके बहुत सारी जेल्स यूज़ कर चुकी हूँ, शायद से वो सारी इतनी अच्छी है कि इसको लगाने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मतलब इसने कुछ काम ही नहीं किया मेरी स्किन पे। और मैं इसको 3-4 बार लगा चुकी हूँ पर ये कुछ भी काम नहीं करता है। और अच्छा है कि मैंने छोटा पैक खरीदा, अगर बड़ा पैक खरीदती तो मैं और ज़्यादा मुझे रिग्रेट होता। तो ये भी एकदम बकवास है। अगर आपको जेल्स यूज़ करना है तो आप ऑरेंज जेल लीजिए गुड वाइब्स का, वाटरमेलन बहुत अच्छा है, एलोवेरा बहुत अच्छा है, पर ये कुछ भी काम नहीं करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये NYV का लिप प्लम्पर। लिप प्लम्पर का काम होता है कि आपके लिप्स को थोड़ा सा उभार के लाना, बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे आप अपने लिप्स को थोड़ा सा उभार सकते हो, बड़ा दिखा सकते हो, प्लम्प कर सकते हो मतलब, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है। इसको आप लगाएंगे तो थोड़ा सा बस आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करता है। और इसका जो इतना प्यारा पिंक कलर है, आप अपने लिप्स पे लगाओगे तो कुछ कुछ भी कलर भी दिखाई नहीं देता है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये क्यों लिया, इससे अच्छा है कि मैं कोई जो ब्लड्स वाले लिप बाम आते हैं वो लेना पसंद करूँगी, ये मेरे कुछ भी काम का नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये नेल पेंट, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये मिरर नेल पेंट है। और इसका जो बाहर का पैकेजिंग था उसमें ऐसे था कि आपको अपना फेस भी दिख जाएगा, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं करता है। मतलब ये मेटेलिक लुक भी नहीं देता है, इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, लाल हरे नीले पीले काफ़ी सारे कलर्स में ये आता है, पर ये कुछ भी नहीं करता है। मतलब ये मिरर का काम तो बिल्कुल भी नहीं करता है। और इसका प्राइस ही 100 से 120 रुपीज़ का मैंने लिया था, तो ये एकदम बकवास है, मतलब इसका कोई यूज़ ही नहीं है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, हो सकता है आपको पसंद हो पर मुझे सूट नहीं करते हैं, मुझे कुछ काम के नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसलिए शेयर किया ताकि आप भी मेरी तरह गलती ना करें और आपके भी पैसे बर्बाद ना हो।
तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।